कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए करेले की बिल्कुल नई तरीके की रेसिपी लेकर के आई हूँ, तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। और जो यहाँ पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साइड में होगा सब्सक्राइब बटन रेड कलर का, उसको प्रेस करेंगे और उसके बगल में होगी घंटी की बेल आइकन, जिसको आप प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं करेले की स्पेशल सब्जी बनाना, लेट्स गो। तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं करेले की एक नई तरीके की सब्जी बनाना। बड़े लोग तो करेले के फायदे जानते हैं और वो उसको खा लेते हैं, पर बच्चे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो हम आज ये कुछ नई तरीके से बना रहे हैं जिससे पता ही ना चले कि हम करेला खा रहे हैं। तो देखिए, हमने करेले को पहले कद्दूकस से, महीन वाले कद्दूकस से घिस लिया है और इसके बीए हम साथ साथ अलग करते जाएंगे, क्योंकि इनके बीए का जो कड़वापन होता है, और कड़े बीए हैं तो ये दांत में लगते भी हैं और खाया भी नहीं जाता फिर। तो बस इनको हम अच्छे से घिस लेंगे। अंदर का ये बीए वाला पार्ट मैं छोड़ते जा रही हूँ, इनके अंदर बीए हैं वो भी कड़े बीए हैं। अगर सॉफ्ट होते तो मैं साथ में घिस लेती, वो पता भी नहीं चलता। देखिए कितने मोटे मोटे बीए निकल रहे हैं। तो ऐसे ही हम घिसते जाएंगे। इस सब्जी को आप खासकर उन लोगों के सामने सर्व कर सकते हैं जिन्हें करेला खाना पसंद नहीं है, तो शायद उन्हें पसंद आए और वो आगे से खाने लगे। करेले के फ़ायदे सभी जानते हैं, पर इसके कड़वेपन की वजह से कोई खाना नहीं चाहता। पर आज हम इसको बनाने वाले हैं बिल्कुल नए तरीके से। कड़वापन तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और दिखने भी नहीं लगेगी कि ये करेले की सब्जी है। तो तीन करेलों को मैंने घिस लिया है। इतने करेलों में मैं 4 से 5 लोगों के लिए सब्जी बनाऊंगी, आराम से 4-5 लोग खा लेंगे। तो देखिए कितने कड़े भी हैं, मैं इनको साइड कर देती हूँ। और बस ये देखिए कैसा अच्छे से ये ग्रेट हो चुका है। बहुत महीन वाले से मैंने किया, आप चाहें तो मोटे वाले से भी कद्दूकस से कर सकते हैं, तो थोड़ा लच्छे लच्छे से दिखेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा, और इसको रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद इसमें से देखिए मैं सारा पानी निकाल दे रही हूँ, मतलब इसका सारा कड़वापन निकल जा रहा है, और अगर आप एक तरह से कहें तो इसका सारा न्यूट्रिशन भी निकल जा रहा है। पर इसे हमें खिलाना है किसी तरह से, तो हमें थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो बस इस पानी को हम फेंक देंगे। जो शुगर के पेशेंट हैं इस पानी को पी भी सकते हैं या उसकी रोटियाँ बना के खा सकते हैं आटा में गूंद के। तो इसमें हमने 1 चम्मच बेसन मिला लिया है, और उस छोटी चम्मच बेसन है इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली डालेंगे हम, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं धनिया और बहुत थोड़ा सा जीरा। ये सब लगभग 1 छोटी चम्मच से भर के है। तो ये एक बार में जितना मसाला हम बनाएंगे ये पूरा मसाला पड़ जाएगा। तो इनको भूनने के बाद हम साइड कर देंगे ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। गरम कभी भी ग्राइंड ना करें, नहीं तो आपका मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो सकता है। उसके बाद हमने ली है एक दूसरी कढ़ाई जिसमें हमने डाला है 2 चम्मच तेल। तेल बहुत थोड़ा सा हमने डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है क्योंकि हम हेल्दी भी बना रहे हैं और टेस्टी भी बना रहे हैं। तो जो करेले हमने बेसन डाल के रखे थे उनको हम इसमें डाल के, और 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको भून लेंगे। तो 2-3 मिनट जब बीत जाएगा उसके बाद इसमें हम एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, सिंपली स्लाइस्ड कटा हुआ प्याज है, इसको हम डाल देंगे और इसको भी हम धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। और प्याज डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी हम पूरा नमक नहीं डाल रहे क्योंकि अभी एक दो स्टेप आगे बाकी है जिसमें हम और अपने मसाले और नमक ऐड करते जाएंगे। तो ये भून चुके हैं और इनको हमने साइड में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और डाल लेते हैं, 1 से 1.5 चम्मच के आसपास, और एक कटा हुआ पिसा हुआ टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा इसको पीस लिया है, प्रोसेस को थोड़ा सा रिफाइन कर दिया है।
इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और 1 छोटी चम्मच बटर हम ऐड कर रहे हैं। बटर आप कभी भी तेल के साथ मत डालिए, नहीं तो वो जल जाता है और उसका टेस्ट नहीं आता है जो एक्चुअल में बटर का फ्लेवर आना चाहिए। और जो हमने मसाला भून के रखा था उसको हमने पीस लिया है, उसको भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम 1 छोटा कटा हुआ आलू डाल देते हैं। आलू आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, अगर आपको आलू नहीं पसंद है तो इसमें आप दूसरी सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे कि गोभी हो गया या बैंगन हो गया, दूसरा भी आप कुछ डाल सकते हैं इसको और नए तरीके से बनाने के लिए। तो हो चुके हैं 4 से 5 मिनट और मुझे लगता है कि हो चुका है आलू आधा। तो आधा आलू जब पक जाए तो इसमें हमने जो करेला और प्याज को फ्राई करके रखा था हम इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको लेड लगा के 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देखिए ऑयल जो भी हमने डाला था, ऑयल बटर बहुत थोड़ा थोड़ा, वो सारा सेपरेट हो चुका है, मतलब कि मसाले और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भून चुकी हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया की पत्ती से गार्निशिंग करेंगे और हमारा ये करेले का सालन बनके है रेडी। तो देखिए अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। थैंक यू।